देखिए, 1 अरब 35 40 करोड़ आबादी का वजीर आजम, 1 अरब 35 40 करोड़ का और एक बड़े मुल्क का वजीर आजम, अगर उस पर कोई हमला होता है या हमला करने की कोशिश करता है तो यकीनी तौर पे यह छोटी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, आप अपने जो प्रधान स्टेट के जो आपके सीएम है उनको शुक्रिया कहिएगा कि मैं यहाँ से जिंदा बच के वापस जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आपसे अंबर जरा ये समझना चाहेंगे कि कल हुआ क्या है मोदी जी के साथ। वो पंजाब गए हैं, उनकी गाड़ी को रोका गया है, उनको जाने नहीं दिया गया। फिर उनकी जो पॉलिटिकल रैली थी वो भी सुना है कि कैंसिल हो गई थी। तो ये क्या कुछ चल रहा है और उसमें बीच में असल में ये टॉपिक इसलिए भी रखा गया है कि बीच में लोगों ने ये भी कहा सोशल मीडिया पर, इस तरह की बातें भी हुई कि खालिस्तान वाले वहां पर मौजूद हैं और उसमें ऑब्वियसली जब खालिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान अपने आप ही बीच में आ जाता है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है और क्यों इस तरह का बिहेवियर देखने को मिला? देखिए, आज जो पहली बात तो यह है कि जो पीएम मोदी है वो किसी पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं गए थे। वहां पे एक 48,000 करोड़ का वहां पे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, उसी की लॉन्च के लिए पीएम मोदी गए थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए था। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी लॉन्च पे के लिए वहां पे गए थे और जो कि प्रोटोकॉल के तहत लगातार 1, 2 और 4 जनवरी को जो कि स्टेट जो रेगुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर विजिट है तो स्टेट को प्रोटोकॉल जाते हैं कि उनकी विजिट के लिए उनको प्रॉपर रूट का को किस तरह से सारी चीजें सैनिटाइज करनी है और किन किन एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, क्या क्या किस किस रूट से प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जाएगा और अगर एक नहीं तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव रूट कहाँ कैसे जाना है। तो उसमें जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच वहां पर नजर आया, किस तरह से प्रधानमंत्री का जो रूट था उसकी जानकारी को लीक किया गया और उसी रूट पर जो किसान आंदोलनकारी थे वो उन्होंने उसको उस रोड को ब्लॉक किया हुआ था और उसी रोड पे प्रधानमंत्री अपने सोचे कि 20 मिनट तक उनका काफिला वहां पर फंसा रहा है, उसको वहां फिर उस एरिया से यू टर्न करके उनको वापस आना पड़ा और किस तरह से फिर उस वहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, आप अपने जो प्रधान स्टेट के जो आपके सीएम है उनको शुक्रिया कहिएगा कि मैं यहाँ से जिंदा बच के वापस जा रहा हूँ। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारे, देखिए राजनीतिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, आपकी सोच अलग है मेरी सोच अलग है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने एक मार्टर्स मेमोरियल को अटेंड करना था, इसके अलावा एक इनॉग्रेशन थी, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो उन्होंने अटेंड करने थे और वो उन्होंने अटेंड नहीं किए, बल्कि जब ये सब हुआ तो वहीं से उनका काफिला वापस हो गया, उनका कॉन्वॉय रिटर्न हो गया वापसी की तरफ और वो बगैर अटेंड किए चले गए। खबर ये है, जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं। अब ये किस हद तक दुरुस्त हैं ये जब मज़ीद डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सही है, कई जगहों पर यही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये बात कही जा रही है कि उन्होंने ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, शायद इसमें एक वजह ये भी हो कि उन्होंने पहले एयर क्राफ्ट के थ्रू जाना था, यानी पहले उन्होंने बाय एयर जाना था लेकिन फिर ये प्रोग्राम चेंज हुआ और रोड से जाने का प्लान बना और इस बिना पर यह हुआ कि पहले से उनको नहीं पता था, यानी ये आ रहा है कि उनके ट्रैवल प्लान चेंज हुआ था, पहले कुछ और था उसके बाद कुछ और हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि जब कोई कॉन्वॉय निकलता है, यानी पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो मेरा ख्याल है तकरीबन एक ही तरह के हैं कि जब कोई ऐसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी निकलती है तो उसका जो कॉन्वॉय होता है, उसका जो रूट लगता है, तो फिर वो जब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता रूट, तब तक उस रूट पर कोई और आ नहीं सकता। अब ये पता नहीं ये किस तरीके से हुआ, शायद वो कि वो प्लान जो चेंज हुआ उसकी वजह से, लेकिन जाहिर है कि ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाब
से जो है वो इंक्वायरी मांग ली और उनसे उन्होंने पूछ लिया है कि ये क्यों हुआ है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो ये वजह हुई, ट्रैवल का प्लान चेंज हुआ, ये हो गया, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए दुनिया के बड़े बड़े आप जब पर्सनैलिटीज़ के कत्ल उठा के देखते हैं कि जिनको मारा गया, जिन पे हमला किया गया, वो कई एक ऐसे कत्ल हैं कि जो रोड पर हुए और इसी तरीके से हुए, यानी उन पर हमला किया गया। मसलन एक बड़ी ही नज़दीक की हमारी अपनी मिसाल, पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में, अभी उनकी बरसी गुजरी है, वो जब अपना एक जलसा अटेंड करके निकल के जा रही थी तो उनकी गाड़ी में वो जब एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर कुछ लोग जमा हो गए, एक मॉब कह लीजिए या एक गैदरिंग सी कुछ लोग जमा हो गए, और उन्होंने ऊंचे ऊंचे नारे लगाने शुरू कर दिए और उनकी गाड़ी पर हाथ मारने शुरू कर दिए कि उनको बाहर निकलना पड़ा उनका जवाब देने के लिए, और उसी वक्त उनके गोली चली और वो उनकी गर्दन में आकर लगी थी। सबसे पहले जो मेरे पास खबर है, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैंने बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, कि मैं ये मोदी साहब कह रहे हैं जब वो निकले हैं बठिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, तो उस वक्त इंतजामिया को कह रहे हैं कि अपने सीएम यानी जो चन्नी है, पंजाब का वजीर आला, पंजाब का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उनको तुम मेरी तरफ से थैंक्स कहना, ये मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया हूं। अब ये रिमार्क्स आना भारतीय वजीर आजम के, इससे मजीद हलचल मच गई हर तरफ के क्या भारतीय वजीर आजम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बठिंडा के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, यानी ये बड़ी खबर है। देखिए 1 अरब 35-40 करोड़ आबादी का वजीर आजम, 1 अरब 35-40 करोड़ का और एक बड़े मुल्क का वजीर आजम, अगर उस पर कोई हमला होता है या हमला करने की कोशिश करता है तो यकीनी तौर पे ये छोटी खबर नहीं है। अब हुआ क्या है, आज ही मोदी साहब गए हैं पंजाब, पंजाब के अंदर उन्होंने हुसैनीवाला के अंदर उन्होंने एक जगह पे एक जलसा था, एक रैली थी, वहां पे उन्होंने शिरकत करनी थी। अब जैसे ही वो दिल्ली से बठिंडा पहुंचे और बठिंडा से आगे उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचना था हुसैनीवाला, लेकिन पंजाब के अंदर मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता था। फिर मोदी साहब ने यह फैसला किया कि वह 2 घंटे का सफर करके बाई रोड पहुंचेंगे। अब मोदी साहब सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जहां पर उन्होंने पहुंचना है। अचानक एक फ्लाईओवर पर गाड़ियां रुक जाती हैं, सामने एहतजाज हो रहा होता है, सामने कुछ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, यानी सिख एहतजाज कर रहे होते हैं, और 15 से 20 मिनट तक या 25 मिनट तक मोदी साहब का वहां पे काफिला रुका रहता है। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप कि मुल्क का वजीर आजम है वो मूव कर रहा है, अब रास्ते तो साफ होने चाहिए ना। अगर मुल्क का वजीर आजम है, इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम और रास्ते आगे से बंद है, आगे एहतजाज हो रहा है, वही रूट है। अब ये असल मेन इशू था जिस वजह से मोदी साहब को वापस आना पड़ा।